आपका नाम क्या है, आपने किस वेंडर के प्रोजेक्ट में जो है आपने इन्वेस्ट किया, कहाँ पर ये प्रोजेक्ट था, कितना आपने पैसा भरा और आज क्या उस प्रोजेक्ट की कंडीशन है? मेरा नाम एक्नेलो जोसेफ है और इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरे वाइफ के नाम पे, जेनी एक्नेलो के नाम पे। मैं मुलुन में रहता हूँ और सबसे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया था साई कंस्ट्रक्शन, जिनका प्रोजेक्ट का नाम है कमला ग्रैंड्यूर। मैंने तभी अराउंड 25 लाख मैंने भर चुका था, वाइफ पेमेंट चेक पेमेंट किया था। फिर करीब दैट वाज 2012 में, फिर 2013 में उनको फॉलोअप करने लगा कि भाई कुछ काम नहीं चल रहा है वहाँ पर, वहाँ पर जो झोपड़े थे वहाँ पर वैसे के वैसे ही है। उनसे कांटेक्ट काफ़ी कोशिश किए थे, उन्होंने बोला कि बस 15 दिन में उनको चेक दे के खाली कर रहा हूँ और उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा और सीसी के लिए अप्लाई किया है फलाना। ये चलते रहा पूरा 2013। फिर 2014 में मैंने उनको वापस, वही सेम स्टेटस था तो मैंने उनको वापस फॉलोअप किया। मैंने बोला कि भाई बहुत हो चुका है, मुझे पैसे जो है विथ इंटरेस्ट आप मुझे वापस करिए। उन्होंने मेरे को बुलाए और बोले कि पैसा तो नहीं है उनके पास, वो कोई और प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे करके। उन्होंने फिर बाद में अंधेरी मरोल मरोल एयरपोर्ट रोड के वहाँ पर दूसरे प्रोजेक्ट जो नाम है कमला एक्वेना वहाँ पर देने के वादा किया था। वहाँ पर मैं जाके इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ पर चौका माला हो चुका था और पीछे SRA की बिल्डिंग खड़े हो चुके थे। तो मेरी उम्मीद जाग गई थी कि भाई ये प्रोजेक्ट तो चालू है, कम से कम दूसरे प्रोजेक्ट ग्राउंड जीरो पे थे। तो मैंने पूरे पेपर वर्क भी देख चुका था, तो मैं और वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि इस पे ये प्रोजेक्ट पे वो आगे करेंगे और हमने रजिस्टर भी कर लिया था और इसके अगेंस्ट में हमने हाउसिंग लोन के लिए भी अप्लाई किया, हाउसिंग लोन भी अप्रूव हुआ और करीबन उसके बाद 30 लाख का एडिशनल पेमेंट हो गया। कुल मिला के अभी तक उनके पास सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन ये सब मिला के अराउंड 78 लाख उनको मैंने दे चुका है। ये मेरा ज़रूरत था, इनफैक्ट थोड़े बड़े घर के सपना रखा था, अब कुछ नहीं रहा। बिल्डर अभी क्या कह रहा है, आपने इसके मुद्दे पे बिल्डर से बात की? जब मैंने इस सिलसिले में बात हुआ कि करीबन एक साल से बंद पड़ा है, 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तब से लेके अब तक जैसा है वो फिफ्थ स्लैब के आगे एक भी काम बढ़ा नहीं है। मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने यही कहा कि बस CC आना बाकी है, बस SRA का काम होते ही ये CC के लिए अप्लाई किया है, अप्लाई हो जाएगा, बस आप 10 दिन में रुकिए, 10 दिन का पेशेंस रखिए। फिर मैंने पेशेंस रखा, वापस उनसे कांटेक्ट किया, तभी भी उन्होंने यही कहा कि उनका कुछ मॉर्गेज किया है उन्होंने एडलवाइस इंस्टीट्यूशन से, उनका कुछ मामला चल रहा है, वो सॉल्व हो गया है, बस यही दे आर बाइंग टाइम, तो आई एम हेल्पलेस। मैं तो यही चाहता हूँ कि आई कैन ओनली रिक्वेस्ट इन दिस मीडिया कि कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई को कि टेक एन एक्शन ऑफ FIR हैज़ टू बी फाइल्ड अगेंस्ट दिस पर्सन मिस्टर जितेंद्र जैन एंड मिस्टर जिनेंद्र जैन एंड ऑल द अदर डायरेक्टर्स ऑफ दिस कमला लैंडमार्क। आपको क्या ये बातें भी पता चली कि ये जो बिल्डर, इसने बहुत सारे लोगों मुंबई में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं इसमें? इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो कमला एक्विना में मेरे अलावा जहाँ पर मेरी जानकारी है 27 लोग और भी है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे टच में है। एंड देर और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर, मेरे ख्याल से महाकाली में है, ट्राइडन करके एक है, एटलांटिस है, मुलुन में भी प्रोजेक्ट्स है, ग्रैंड्यूअर और भी है, मेरे ख्याल से मानपड़ा में भी कुछ प्रोजेक्ट आने वाले, और कितने हैं बताने मुझे।